मेरा नाम पास्टर आफताब शमीम है और मेरा ताल्लुक लैम फेलोशिप के ओजी चर्च से है। मैं नेशनल न्यूज़ का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अक्सर औकात खुदा के खादमों को बुलाते हैं ताकि कलाम मुकद्दस की खिदमत जो है इस जगह पे की जाए। तो आज मेरे सुपुर्द जो है वो चौथा कलमा किया गया है, तो कलाम मुकद्दस में से आज हम तलावत करेंगे मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 27वां बाब उसकी 46वीं आयत से लेकर 47वीं आयत तक हम खुदा उनके कलाम में से तलावत करेंगे। और तीसरे पैर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है। और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरका में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया, मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ, देखे थे एलिया उसे बचाने आता है या नहीं। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन आमीन। मैं आपके सामने यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में बयान करना चाहता हूँ। लफ्ज़ कुर्बानी का मतलब होता है टू कम नियर टू गॉड, खुदा के करीब लाना। यानी यीशु मसीह की कुर्बानी ने हमें क्या किया, हमें खुदा के करीब ले आया। और जुदाई की दीवार जो खुदा और इंसान के दरमियान थी वो गिर गई और हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और हम जब मर्जी खुदा उनकी हजूरी में जा सकते हैं। और यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना कीमती खून बहाया है और हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा ने यीशु मसीह पेशन गोइयों के मुताबिक उसको छलनी छलनी कर दिया गया, उसका बदन जो है बिल्कुल छलनी छलनी हो गया और उसके बदन से खून बहा, हाथों और पाँव में कील ठकवाए गए और उसका बदन में से खून बह रहा था। और जब उसको स्लीप पर चढ़ाया गया तो उस जानकनी की हालत में खुदा ने यीशु मसीह ने 7 कलमात कहे हैं, 7 ऐसे अल्फाज कहे हैं जो हिस्ट्री को बदलने वाले बातें हैं। तो मैं इस बात के लिए खुदा उनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हम उन कलमात को जब बयान करते हैं चर्चेज़ में तो हमें बड़ी बरकत उनसे मिलती है। तो आज मुझे जो स्पुर्द किया गया वो चौथा कलमा है और ये कलमा जो है कफ़ारा का कलमा है। और कलाम मुकद्दस में कफ़ारा का लफ्ज़ जो है बड़ी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। अबरानी लफ्ज़ कफ़ारा से मुराद किसी चीज़ को ढांप लेना, कफ़ारा अदा करना, तवान भरना, रजा जोई, गुस्सा ठंडा करना है। अबरानी बाइबल में ये फेल की शक्ल में ये लफ्ज़ 100 बार इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि इंसान का जो गुनाह था वो ढांपा गया। जब बागे अदन में इंसान था तो बिल्कुल मुकम्मल हालत में था, लेकिन जब गुनाह उसकी ज़िंदगी में आया तो उसको अदन में से निकाल दिया गया और वो नंगा पाया गया। आर्जी तौर पर उसके बदन को ढांपने के लिए चमड़े के कुर्तों का इंतज़ाम किया गया, लेकिन एक ऐसे ढांपने की ज़रूरत थी कि जो मुस्तकिल उसका जिस्म ढांपा जाए। और वो यीशु मसीह के खून की मार्फत ही हम हमारे जिस्म की जो नापाकी है, शर्मिंदगी है, वो ढांपी जाने वाली थी। अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें तो हमें पुराने अहदनामा में भी 5 किस्म की कुर्बानियां नज़र आती हैं, जिनमें से हर कुर्बानी जो है यीशु मसीह की कुर्बानी को ज़ाहिर करती है। जैसे सोख्तनी कुर्बानी, बर्नट ऑफरिंग, यानी यीशु मसीह ने अपना आप पूरे का पूरा हमें दे दिया। फिर हम देखते हैं ग्रीन ऑफरिंग, अनाज की कुर्बानी, यीशु मसीह ने अपना बदन हमारे लिए दे दिया। और उसने अपना बदन, उसने कहा कि मैं तुम्हें अपना जिस्म खाने के लिए देता हूँ, कलाम मुकद्दस में हमें ये मिलता है। फिर गुनाह की कुर्बानी, सिन जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर जब आया तो सिन जो है एक ऐसा है, छोटा सा लफ्ज़ है, SIN सिन, लेकिन इसके जो नतायज हैं बड़े भयानक हैं, इसके असरात हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैं। इस गुनाह को मिटाने के लिए मसीह खुदा ने अजीम कुर्बानी हमारे लिए दी। और सिन का अगर लफ्जी तर्जमा देखें तो इसका मतलब है कि एक निशान को तोड़ देना। यानी जो जीसस क्राइस्ट ने, खुदा बाप ने जो हदें हमारे लिए मुकर्रर की थी शरीयत में या कलाम मुकद्दस में, अगर इंसान उसको तोड़ देता है तो वो उसकी ज़िंदगी में गुनाह बन जाता है। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे पोशीदा गुनाह हैं, बहुत सारे क्रिमिनल गुनाह हैं, बहुत सारे अरगवानी गुनाह हैं, तो इनका ढांपा जाना बहुत ज़रूरी था। और फिर एक और
آفرنگ ہے خطا کی قربانی، یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اثرات جو ہیں کافی دیر تک انسان کی جسم کے اندر رہتے ہیں، یعنی اگر آپ کوئی بری پکچر دیکھ لیتے ہو، تصویر بری دیکھ لیتے ہو، تو آپ نے گناہ تو کر لیا لیکن اس کے اثرات، اس کی امیجز جو ہیں آپ کی زندگی میں کافی دیر تک رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یسوع مسیح کی قربانی نے صرف نہ صرف گناہ کو ختم کیا بلکہ اس کے اثر کو، یعنی اس گلٹ کو خطا کو بھی ختم کر دیا۔ تو یسوع مسیح کی قربانی جو ہے وہ کامل قربانی ہے، یعنی یسوع مسیح نے اپنا قیمتی خون بہا کر ہمارا کفارہ دیا اور ہمیں ڈھانپ لیا، ہماری شرمندگی ڈھانپ لی۔ اور دوسرا کفارے کا مطلب ہوتا ہے کہ غصہ کو ٹھنڈا کرنا، یعنی یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے خدا باپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ نسل انسانی پر وہ بہت غصے تھا گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، لیکن جب خدا باپ جو ہے ہمارے جسم کے اوپر یسوع کا خون دیکھتا ہے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کی قربانی جو ہے ہمیں خدا باپ کے قریب لے آئی، اور جدائی کی دیوار جو خدا اور انسان کے درمیان تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو یاد رکھیں، آج کا جو کلمہ جو ہے پڑھا گیا ہے وہ ہے، بڑی آواز سے یسوع نے چلا کر کہا، ایلی ایلی شما لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یعنی جب یسوع مسیح نے یہ لفظ کہے تو اس وقت جیزس کرائسٹ کے اوپر پوری دنیا کے گناہ تھے، تو خدا کی آنکھیں اس قدر پاک ہیں کہ وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو یاد رکھیں، اگر ہم حبقوق کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 13ویں آیت میں دیکھیں، اس میں لکھا ہے تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں تو کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا، یعنی پوری دنیا کے گناہ جو تھے جیسس کرائسٹ کے اوپر تھے لادے ہوئے تھے۔ تو خدا باپ نے اس سے اپنی آنکھیں جو ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہٹا لیں۔ تو یاد رکھیں، چھوڑے جانے کی اہمیت بہت زیادہ تھی، ایک طرف ہم تھے، ایک طرف اس کا بیٹا تھا۔ آپ یہ دیکھیں، مقابلہ دیکھیں، ایک طرف ہم، ایک طرف بیٹا۔ اب اس نے ہمیں بچانا تھا، اگر وہ بیٹے کی طرف دیکھتا تو ہم گناہ میں ہلاک ہو جاتے، لیکن اس نے بیٹے کو چھوڑ دیا تاکہ ہم آزاد ہو جائیں، اور جسے بیٹا آزاد کرے اسے کو غلام بنا نہیں سکتا۔ یہ ہے جو خدا باپ نے دنیا کے ساتھ کیا، کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یاد رکھیں، ایک اور بات بھی ہے کہ جب برے ذبح کیے جاتے تھے تو دو بروں کا چناؤ کیا جاتا تھا، ایک برا قربان ہونے کے لیے اور ایک برا جو ہے وہ اس کو بیابان میں چھوڑ دیا جاتا تھا، اس کو نام عزازیل کے لیے ہے۔ تو یسوع مسیح نے دونوں بروں کا کام کیا ہے، ایک قربان بھی ہوا ہے اور وہ چھوڑا بھی گیا ہے، یہ برا جو ہے چھوڑا بھی گیا ہے۔ ہللویہ، اس بات کے لیے ہم خدا کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے چھوڑ دیا، قربان ہونے دیا، کچلا جانے دیا تاکہ ہم بچ جائیں۔ اور اگر ہم کلام مقدس میں کا مطالعہ کریں تو ہمیں یسعیاہ 53 باب میں اس کے متعلق کافی چیزیں جو ہیں کفارے کے متعلق ملتی ہیں کہ کس طرح سے خدا یسوع مسیح ہمارے لیے کچلے گئے۔ 53 باب جو ہے، اگر آپ اس کو اونچی آواز میں گھر میں پڑھیں تو بڑی برکت آپ کو ملے گی۔ میں اس کی چند آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے خدا یسوع مسیح ہماری خاطر قربان ہو گئے۔ 53 باب اس کی دوسری آیت پر، وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ کوئی خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ یعنی اس کی شکل و صورت بگڑ گئی لیکن ہماری شکل و صورت جو ہے وہ چمک گئی۔ ہللویہ، اس بات کے لیے ہم خداوند کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کوڑے ہمیں لگنے تھے لیکن یسوع مسیح ہماری خاطر سارے کوڑے کھا گیا، تھوکا ہمارے منہ پہ جانا چاہیے تھا لیکن یسوع مسیح ہماری خاطر اپنے منہ پہ تھکوا گیا، اور تانے ہمیں ملنے تھے اور کانٹوں کا تاج ہمیں پہنایا جانا تھا، کیل ہمیں لگنے تھے لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری ساری سزائیں جو ہے نا اپنے بدن پر لے گیا۔ جس طرح پرانے عہد نامہ میں جب برے کو قربان کیا جاتا تھا تو جس شخص کے لیے برا قربان کیا جاتا تھا تو اس کے ہاتھ اس پر رکھواتے تھے کہ اس کے سارے گناہ جو ہیں برے میں ٹرانسفر ہو جائیں اور وہ شخص بچ جائے۔ اسی طرح ہمارا بھی وہ برا ہے جس کے بارے میں
खुदा ने कहा देखो ये खुदा का बरा है जो जहान का गुनाह उठा लिए जाता है, पूरी दुनिया के गुनाह उसने हमारे लिए अपने ऊपर उठा लिए, और बाप ने अपनी निगाहें भी हटा लीं ताकि उसे उसे पसंद आया कि उसे क्या करे कुचले। कलामे मुकदस में लिखा है उसे पसंद आया कि क्या करे उसे कुचले। अगर हम 53:10 में देखें खुदावंत को पसंद आया, इसाया 53:10 लिखा है लेकिन खुदावंत को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया, जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज हो गई और खुदावंत की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी, और अपनी ही जान का दुख उठाकर उसे देखेगा और शेर होगा, और अपने ही इरफान से मेरा सादक खादम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा। हालेलुया। और फिर अगर 5वीं आयत देखें, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बायस कुचला गया और हमारी सलामती के लिए उस पर शास्त हुई ताकि उसके मार खाने से हम क्या पर करें शिफा पाएं। फिर 7वीं आयत में लिखा उसे सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त किया और मुँह ना खोला, जिस तरह बरा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेजुबान है उसी तरह वो खामोश रहा। कलाम मुकद्दस की कितनी खूबसूरत वर्सेस जो मैंने आपके सामने पढ़ी हैं कि किस तरह से यीशु मसीह एक ऐसा बरा है जिसके ऊपर पूरी दुनिया के गुनाह थे, मेरे गुनाह थे, हमारे गुनाह थे, वो अपने ऊपर ले लिया, उसने सारे गुनाहों को ले लिया और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, हमारा कफारा दे दिया, हमारा पूरा पूरा तावान भर दिया, हमारी पूरी पूरी कीमत अदा कर दी, हमारी खलासी फ़ानी चीज़ों सोने और चांदी से नहीं हुई बल्कि बर्रा के बेऐब कीमती खून के वसीला से हमारी खलासी हुई। तो इसलिए ये आज का कलमा जो है कफारे का कलमा है, यीशु मसीह हमारी खातर जो है वो छोड़ा गया, बाप ने उसे भी छोड़ दिया ताकि हम बचाए जाएं, हम गुनाह की गुलामी में न रहें, क्योंकि जो शख्स गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने अपना कीमती खून बहाकर हमें क्या किया, हमारे जिस्म को की सारी शर्मिंदगी क्या उसको ढांप दिया, और अब हम बाप की हुजूरी में जब मर्जी जा सकते हैं क्योंकि अब हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई गुनाह नहीं है उस कुफारे की वजह से, अब हम उसकी हजूरी में जब मर्जी आ सकते हैं क्योंकि उसके कुफारे के वसीला से खुदा बाप का गुस्सा ठंडा हो गया है और उसने हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे से पाड़ दिया है, अब हम पाक तरीन मकान में जब मर्जी जा सकते हैं, और अब हमें डर नहीं। पुराने अहदनामा के जो सरदार काहिन था तो वो डरता था क्योंकि वो बैलों और बकरों और बछड़ों का खून बहा कर जाता था पाक तरीन मकान में और जाके खून छिड़कता था कुफारा गाह के ऊपर, हैं जी। लेकिन हमारा जो सरदार काहिन है यीशु मसीह जिसकी कहानत जो है वो लाजवाल है, हमारे सरदार काहिन की कहानत जो है वो ख़त्म नहीं होने वाली और उसके खून भी जो है वो सारी दुनिया के लिए बहाया गया है और उसका असर अब तक भी है, अब तक है, क्योंकि यीशु मसीह का खून भी जो है वो गैर फानी है और वो हमारा डेली हमें रिन्यू करता है, पाक करता है। जब हम बरे के लहू को मांगते हैं तो हमें शिफा मिलती है, जब हम बरे के लहू को मांगते हैं तो हमारी जिंदगियां पाक हो जाती हैं। बरे के लहू का मुकाबला बदरू हैं और जादूगर भी नहीं कर सकते क्योंकि बरे के लहू में कुदरत पाई जाती है, बरे का लहू जो है हमें ढांप लेता है, जब वो हमें ढांप लेता है तो बाप खुदा बाप खुश हो जाता है, इस बात के लिए हम तेरा खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, बरे के लहू के वसीला से हमारी बाप तक रसाई हो गई है, बरे के लहू के वसीला से हम रास्तबाज हो गए हैं, यानी हमारी ज़िंदगी से गुनाह का असर ख़त्म हो गया है, गुनाह ख़त्म हो गया, गुनाह का असर भी ख़त्म हो गया है, यानी दुनिया के जो जितने भी कुर्बानियाँ गुजरानी जाती थी वो गुनाह तो ख़त्म कर देती थी लेकिन गुनाह के असर को ख़त्म नहीं करती थी, लेकिन यीशु मसीह का खून जो है गुनाह भी ख़त्म कर देता है, गुनाह के असर को, गुनाह की तस्वीर को भी हमारे दिमाग से ख़त्म कर देता है। इसलिए डेली अपने ऊपर जो है यीशु मसीह के खून को लें, अपने घराने में बरे के लहू को लें, घराने की एक एक चीज़ को बरे के लहू में चुमाएं। पुराने अहदनामा में हैकल की एक एक चीज़ को बरे के लहू से मसा किया जाता था, तो इसलिए याद रखें बरे के लहू में कुदरत पाई जाती है। और पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि जिन घरों में चौखटों पर बरे का लहू लगाया गया उन घरों में मौत एंटर नहीं हुई, तो याद रखें जिन घरों को हम बरे के लहू में छुपाएंगे उन घरों में मौत एंटर नहीं होगी क्योंकि यीशु मसीह के खून के वसीला से हमें अबदी ज़िंदगी मिल गई है, हमारा अबदी कुफारा हो गया है, अब हम मौत से लेकर निकल कर ज़िंदगी में दाखिल हो गए क्योंकि खून में जान होती है, और जब यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दे दी
تو ہمیں اس نے موت اور قبر سے چرا لیا. اب مسیح مرتا نہیں بلکہ سو جاتا ہے. اس لیے مسیحی پر موت کا کوئی اثر نہیں, موت فتح کا لقمہ ہو گئی. یسوع مسیح نے کیا کہا, اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ موت کا ڈنگ گناہ تھا, گناہ کا زور شریعت تھا, شریعت بھی ختم ہو گئی. لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, اس نے شریعت کے ہر ایک تقاضے کو پورا کیا, وہ ہمارے لیے لعنتی بن گیا اور ہمارے لیے گناہ بن گیا تاکہ ہم آزاد ہو جائیں. اور جسے بیٹا آزاد کرے اسے کوئی غلام بنا نہیں سکتا.